एक मोटरसाइकिल ओवर ब्रिज पे जा रहा है जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, तो वी की वैल्यू पूरी जर्नी में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम, भी चेंज नहीं होगा। मोटरसाइकिल असेंड कर रहा है ऑन द ओवर ब्रिज, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो डायग्राम ध्यान से समझें, जब ये ओवर ब्रिज पे चढ़ रहा है ऑफ रेडियस आर, वर्टिकल के साथ इसका किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या है, थीटा, थीटा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा थीटा कम 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 होता जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पर वेट एम जी है, ये थीटा थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, क्योंकि मूव कर रहे हैं ना सर्कल, सर्कल में क्या फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल, जो कहां एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है, एम जी कॉस थीटा, इसको अपोज कौन कर रहा है, एन, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, एन के बारे में बताना है, तो एन एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये ऊपर चढ़ रहा है तो थीटा क्या होगा, कम, थीटा जब कम होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी, कैसे, थीटा कम हो रहा है 90 डिग्री पे, कॉस 90 क्या है, जीरो, थीटा कम कम हो रहा है, जीरो हो रहा है, कॉस जीरो क्या होता है, वन, बढ़ेगी, थीटा जितना छोटा होगा कॉस थीटा बढ़ेगा। तो देखो इस इक्वेशन में एम जी कॉस थीटा में एम ना एम चेंज हो, ना वी चेंज हो, ना आर चेंज हो, मोटरसाइकिल वाला ऊपर चढ़ेगा तो थीटा कम होगा, कॉस थीटा बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है कैसे आंसर देने हैं ओवरब्रिज वाली प्रॉब्लम में, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। लो ये क्वेश्चन है, अ पॉइंट मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ एल, ये रहा कॉनिकल पेंडुलम की तरह घूम रहा है ये, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मास, वो कह रहा है वैसे घूम रहे, ये कौन बोलेगा पार्टिकल घूम रहे, जो बेंच पे आराम से अर्थ पे बैठे हैं, और कौन बोलेगा कि घूमता हुआ पार्टिकल एम रेस्ट पे है, जो पार्टिकल इस जो जो बंदा इस मास के ऊपर खड़ जाएगा, उसको इसको बैठा होगा या चिपक के खड़ जाएगा, उसके साथ साथ घूमेगा, तो क्या बोलेगा, पार्टिकल किस पे एट रेस्ट, तो उसने क्या बोला, आपने ये बताना है कि पार्टिकल आपको किस पे दिख रहा है, एट रेस्ट, वैसे घूम रहे, तो ऐसे केस में फोर्सेस क्या होंगी इसमें। अब एक बार बताओ, अगर आप अर्थ पे बैठे हैं और पार्टिकल घूम रहे हैं तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल के पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपेटल, पर आप उसके ऊपर जब खड़ जाएंगे आपको लगेगा वो रेस्ट पे है, तो आप आउटवर्ड गिरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर क्या लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि आप उस पार्टिकल के ऊपर खड़े होकर आंसर दे रहे हैं, तो आंसर में सेंट्रीपेटल की सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, अगर आप ग्राउंड पे बैठ के आंसर देते तो सेंट्रीपेटल, और सेंट्रीपेटल कहां करती, टुवर्ड्स सेंटर, पर आप इस मास के ऊपर बैठ के आंसर दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम सेंटर, तो डायग्राम क्लियर है, ये वेट का, टेंशन का और एफ का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन रिस्पेक्ट टू अर्थ होता तो एफ इनवर्ट होता, ठीक, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में ना कॉनिकल फनल, होमवर्क लिखो, कोन वाला क्वेश्चन किया हमने, ये वो थ्योरी में किया, ये न्यूमेरिकल है, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट, सबसे पहले सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम में ये पढ़ना होता है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है या वर्टिकल में, कैसे घूम रहा है, कहा उसने वर्टिकल में, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, वर्टिकल के साथ, ये देखो वर्टिकल के साथ वो ऊपर जा रहा है, तो पहले एंगल जीरो है, एंगल बढ़ा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ रहा है, पहले 30 आएगा, फिर 60 भी आएगा, फिर 180 भी आएगा, 360 भी आएगा, तो ये बताओ वर्टिकल सर्कल में टेंशन मैक्सिमम यहां पर है, कम 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 यहां पर क्या मिनिमम, फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज, जितना आप दूर जाएंगे टेंशन कम, 30 डिग्री पे अगर टेंशन T1 है, 60 डिग्री पे टेंशन T2 है, बोलो कौन बड़ा, 30 वाला कि 60 वाला, 60 वाला कम, क्योंकि जितना दूर जाएंगे टेंशन कम होती जाएगी, तो 30 डिग्री पे टेंशन जो है वो T1 है, और एंगल बढ़ने पे पार्टिकल ऊपर जाने पे टेंशन कम होगी, तो T2 लेस देन T1 इज द आंसर, जितना दूर जाएंगे एंगल बढ़ेगा टेंशन उतनी ही कम होगी, कोई डाउट इसमें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया। क्वेश्चन, वन वन मीटर
दो पार्टिकल्स पी एंड क्यू दोनों इकट्ठे सर्कल में, आपको बताना है इसमें और इसमें टेंशन की रेशियो क्या है, यानी कि पी क्यू पोर्शन में और पी ओ पोर्शन में टेंशन की रेशियो क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज का आंसर दें, क्या सपोज करो, हाँ ये भी चेक करना पड़ेगा, पार्टिकल घूम कैसे रहा है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, देख फोटो में मत जाना, फोटो लगती है वर्टिकल, वैसे ये क्या है हॉरिजॉन्टल। एक चीज का आंसर दें, अगर कोई पार्टिकल, मान लो ए पार्टिकल है जिसका मास एम है और थोड़ी देर के बाद वो यहां पर आ गया आफ्टर टाइम टी, सेंटर पे एंगल कितना कवर किया थीटा, मैंने आपसे पूछा इस पार्टिकल का ओमेगा क्या है, आप क्या बोलेंगे थीटा बाई टी, कोई डाउट। एक पार्टिकल और है एम, वो साथ ही बना हुआ है, वो यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया, तो इसने भी एंगल क्या कवर किया थीटा, और कितने टाइम में टी, तो ओमेगा की वैल्यू दोनों के लिए एग्जैक्टली क्या रहेगी सेम, क्योंकि सेम एंगल कवर्ड है सेम टाइम है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो अब ये बताओ किस केस में ये सामने टेंशन की रेशियो निकालनी है, ये रही, ये लो सपोज करो ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, इस रस्सी में टेंशन टी वन एंड टी वन है, यहां पर टेंशन टी टू एंड टी टू है, तो अगर मैं क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो कौन सी फोर्स टुवर्ड सेंटर है टी टू, तो टी टू इज इक्वल टू एम और रेडियस क्या है वन प्लस वन टू इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्या इक्वेशन नंबर वन क्लियर है, टेंशन यहां पर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट जो पी पार्टिकल है, पी पार्टिकल, पी पार्टिकल में ये क्या है T1, ये क्या है T2, और पार्टिकल की नेट फोर्स कहां है टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर, तो इक्वेशन T1 माइनस T2 इज m इनटू 1 इनटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक ओमेगा स्क्वायर, तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसकी सेंट्रीपेटल टुवर्ड सेंटर क्या होगी T1 माइनस T2 और इसकी T2, तो यहां से इन्हें डिवाइड कर लें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय कितना T2 m इंटू 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर अपॉन m इंटू 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, कैंसल कैंसल, T1 बाय T2 माइनस 1 इज 1 बाय 2, T1 बाय T2 इज इक्वल टू 3 बाय 2 इज द आंसर, क्या है पॉइंट क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें।